गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो दोस्तों मैं आज आपको मिलवाऊंगा अपना नया बहनोई से। टिटलागढ़ में जो मेरी मौसी का लड़की है छोटी वाली, तो उसका शादी अभी फाइनल हो चुका है। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि शादी से पहले क्या होता है कि लड़की वाले जाते हैं लड़का का घर और लड़का वाले आते हैं लड़की का घर। तो आज हम लोग जा रहे हैं लड़का का घर, जो कि हीराकुद में है, हीराकुद संबलपुर का सामने। तो वहीं पे जा रहे हैं हम लोग अभी। और मेरे साथ में मेरा राहुल किला का जो बहन बहनोई हैं वो लोगों भी जा रहे हैं, माँ मेरी मिसेस और मैं, हम लोग टोटल 5 आदमी जा रहे हैं बाय रोड। गाड़ी वाला को अभी फ़ोन किया था, गाड़ी वाला अभी आ रहा है। तो जैसे ही गाड़ी आ जाएगा तो हम लोग यहाँ से निकलेंगे और मैं आपको मिलवाऊंगा मेरा नया बहनोई से। और भी फैमिली मेंबर सब हैं तो सबसे मिलवाऊंगा, आप वीडियो में बने रहिए। तो गाड़ी वाला अभी पहुंच चुका है जहां मैंने उसको बुलाया था, और मैं उसको बोला कि मैं अभी पैदल आ रहा हूं, थोड़ा सा वेट करिए। और वही गाड़ी के पास ही जा रहा हूं, उसको घर लेके आ जाऊँगा और उसके बाद ही निकलेंगे फिर हम लोग। तो यहाँ देखिए, ये अभी गाड़ी आ चुका है, इसी गाड़ी में जाएंगे हम लोग। देखो यारे, जा भी कहाँ है लखा। तो हम लोग अभी घर से निकल चुके हैं दोस्तों, और नाश्ता उस्ता तो कुछ किए नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे कि आधा रास्ता में देखेंगे, कोई अगर बढ़िया होटल अगर होगा तो वहीं पे हम लोग नाश्ता उस्ता कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग तो सोचे कि हम लोग संबलपुर होते हुए हीराकुद जाएंगे, लेकिन फिर सोचे कि नहीं, हीराकुद डैम का किनारे से भी रास्ता है, उस साइड से भी जाने से होगा बोले, और हम लोग डैम का रास्ता में गए ताकि डैम भी हम लोग देख सकेंगे। और अभी यहाँ देखिए, ये ईब ब्रिज है, ये ईब नदी का ब्रिज है, ये ब्रिज क्रॉस होके हम लोग कौन जा रहे हैं। तो यहाँ आगे में भूषण प्लांट है, और भूषण प्लांट का बाहर भी होटल सब है, नाश्ता कर सकते हैं, लेकिन वहाँ बढ़िया नहीं मिलेगा, उसलिए रेंगाली में कर। और यहाँ पे हम लोग दोस्तों नाश्ता करने के लिए यहाँ पर रुके। ये रेंगाली का सामने में एक होटल है, यहाँ पे हम लोग चाट समोसा चाट खाए, अच्छा टेस्ट था। ये वो होटल है, वो काफ़ी सारा भीड़ था, देखिए इस होटल को। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि हम लोग संबलपुर होते हुए नहीं, ये हीराकुद डैम होते हुए, डैम का किनारे एक रास्ता है, उधर से हम लोग जाएंगे बोल के आपको बोला था मैं। तो देखिए हम लोग ये अभी डैम पहुंच चुके हैं, ये मेरा बैक साइड में देखिए पूरा पानी ही पानी दिख रहा है। हाय करो हाँ बोला माँ, हेलो कर। तो देखिए दोस्तों, ये हीराकुद जो डैम जो है उसका किनारे से हम लोग जा रहे हैं, ये डैम का रास्ता है। तो यहाँ
यहाँ से डैम का जो रास्ता है दोस्तों, यहीं से स्टार्ट होता है और करीब 15 से 18 किलोमीटर तक आप खाली डैम का रास्ता में ही जाएंगे, यानी कि डैम का ऊपर होते हुए आप जाएंगे और राइट साइड में खाली पानी ही पानी है। बहुत अच्छा प्लेस है, कभी आइएगा घूमने। तो अभी हम लोग इधर उधर घूमने के बाद में ये फिर से गाड़ी में बैठ के हीराकुद जा रहे हैं। अभी वैसे भी काफ़ी लेट हो चुका है और हम लोग कोशिश करेंगे कि उधर से जल्दी काम ख़त्म करके रिटर्न अगर आएंगे तो रिटर्न आने का टाइम में डैम का सामने रुक के थोड़ा सा बोटिंग का मज़ा ले लें। तो इसीलिए मैं भी हड़बड़ा के जा रहा हूँ। तो देखिए किस तरह डैम का किनारे से हम लोग जा रहे हैं, जो कि लगभग 15 से 18 किलोमीटर है। हम लोग इसी तरह डैम का किनारे से होते हुए जाएंगे और कितना बढ़िया व्यू है दोस्तों। आप रोड पे जाते रहेंगे और आपको रोड का किनारे साइड में देखिए, आपको जहाँ तक आपका नज़र जाएगा वहाँ तक खाली पानी ही पानी दिखेगा। मुझे और एक जगह भी जाना था दोस्तों, दोस्त लोगों का साथ में एक मीटिंग भी अटेंड करना था और पार्टी भी अटेंड करना था, लेकिन घर का काम तो पहले, तो उसीलिए मैं इधर नहीं गया, उधर कैंसिल किया और इधर चला गया, क्योंकि घर का काम तो पहला है ना, तो बाहर का आप नहीं भी जाने से चलेगा। तो इसीलिए मैं क्या किया कि मेरा दोस्त लोगों का साथ में जो एक गेट टुगेदर का प्रोग्राम था उसको मैं कैंसिल किया, बोला कि भाई मैं नहीं जा पाऊँगा और यहाँ आ गया। अगर यहाँ आना चाहते हैं तो झारसुगड़ा से एक शॉर्टकट रास्ता है, जो कि रेंगाली से आप राइट टर्न लेंगे और रेंगाली से अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो झारसुगड़ा से ये लोकेशन का जो आपको 30 से 35 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ेगा अगर आप झारसुगड़ा से आ रहे हैं तो, ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीक में ही है। तो ये जो रास्ता है दोस्तों, ये आप सुबह से शाम तक आप कभी कहीं भी जा सकते हैं कभी भी, लेकिन कोशिश करिएगा कि शाम को 7 बजे 8 बजे ना जाएं, थोड़ा रिक्सी है। तो इधर राइट साइड में देखिए दोस्तों कितना बोट लगा हुआ है, यहाँ पे बहुत सारा बोट है जो कि जीरो पॉइंट से निकल के आता है और इधर आपको पूरा 2-3 राउंड घुमाता है, ये जितना भी बोटिंग है। तो ज़ीरो पॉइंट भी हम लोग आने का टाइम में जाएंगे और थोड़ा देर वहीं रुकेंगे ज़ीरो पॉइंट में। मैं सुना हूँ कि शाम को इस जगह में बहुत कम ही आना जाना करते हैं। तो हम लोग अभी ये हीराकुद पहुँच चुके हैं और डैम से नीचे उतर रहे हैं, हालांकि डैम और भी ज़्यादा लंबा है। तो जैसा कि रस्म चालू होने का पहले लड़की वाला लड़का वाला दोनों एक साथ बैठते हैं, उसके बाद डिसाइड होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं अभी। तो ये एक्चुअली में दोस्तों बहनोई का जो घर है ये नया बन रहा है अभी और यहाँ पे इलेक्ट्रिक का काम कंप्लीट हुआ नहीं है, इलेक्ट्रिक का काम चल रहा है, तो इसीलिए यहाँ
ये मेरे मौसा जी थे आतावीरा वाले, जो कि हम लोगों का तरफ से यही बातचीत कर रहे थे, मझले वाले मौसा। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये जो अभी खड़ा हुए यही नया बहनोई है मेरा। तो हम लोग में क्या होता है कि लड़की वाले का जितना भी हम लोग आए हैं, सब एक एक करके क्या करेंगे कि वो दामाद को चंदन का टीका लगाएंगे। वो चाहे पापा हो, चाचा हो, बड़ा भाई हो, छोटा भाई हो, सब एक एक करके दामाद का माथा पे चंदन का टीका लगाते हैं, और वो सबका पैर छुएगा। जो बड़ा आदमी है पैर छुएगा, छोटा वाला को आशीर्वाद देगा। तो ऐसा चलता है हम लोगों का। तो ठीक है दोस्तों, मैं भी खड़ा हो जाता हूँ, और जैसे कि सब चंदन टीका लगा रहे हैं दामाद को, तो मैं भी लगा देता हूँ। तो देखिए, मैं अभी चंदन लेके गया, और दामाद का माथे पे जब लगाया तो बहुत पानी पानी हो गया था चंदन, जो कि पूरा पानी उनका मुंह में आ गया, कपड़ा से पोंछ रहे हैं। देखिए, तो ये जो राइट साइड में आप घर देख रहे हैं, यही मेरा नया बहनोई का घर है। तो दोस्तों, वहाँ से निकलने का बाद में मैं और मेरा भाई, मेरा जो मझली वाली जो मौसी है, उसका बड़ा बेटा, उसका और मेरा बहुत मान लीजिए कि दोनों भाई हैं, लेकिन एक दोस्त जैसा भी है। तो वो भी अभी मेरे साथ में ही है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ अभी। हाय। तो ये सूरज है, और इससे छोटा और एक भाई है जिसका नाम की चांद है, उसको भी मैं मिलाऊंगा आपसे, और आप वीडियो में बने रहिए। तो यहाँ देखिए, ये मेरा नया बहनोई का घर है। ये चांद खड़ा हुआ है मेरी माँ के साथ में, और बाकी आदमी भी इधर सब बैठे हुए हैं। ये अंदर अंदर उन लोगों का घर सब है। ये जितना एरिया देख रहे हैं आप,
सब ये मेरा बहनोई लोग का ही घर है। इधर मेरा मामा लोकन सब खड़े हैं, बड़ा भाई भी है, आपस में बातचीत कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। और चांद भी इधर छोटा वाला मामा के साथ में बात कर रहा है। ये जो कुर्ता पहना हुआ है यही चांद है। तो वहाँ से हम लोग खाना वाना खा के अभी निकल चुके हैं, और जिस रास्ता से आए थे डैम का रास्ता से, वही डैम होते हुए ही हम लोग अभी रिटर्न जा रहे हैं। और जाने का टाइम में दोस्तों 0 पॉइंट में अभी थोड़ा देर हम लोग रुकेंगे। उतना कोई पिकनिक नहीं जाता है, तो सोचिए कि न्यू ईयर में कैसा भीड़ होता होगा यहाँ पर। तो वही मैं सोच रहा था कि पिकनिक के लिए ये बहुत बेस्ट जगह है, और भीड़ भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। यहाँ देखिए, ये अभी रिटर्न आने का टाइम में हम लोग थोड़ा 0 पॉइंट तरफ भी घुसे। ये 0 पॉइंट है। यहाँ देखिए साइट में एक काउंटर बना हुआ है, उस काउंटर पे आपको जाना है और लाइफ जैकेट के लिए पैसा जमा करना है। और बोटिंग के लिए भी यहाँ पे सुविधा है, आप 8 सीटर वाला बोट ले सकते हैं, 16 सीटर वाला बोट ले सकते हैं, या फिर स्टीमर है, स्टीमर भी ले सकते हैं। और लाइफ जैकेट का पैसा जमा करके आप पूरा आधा एक घंटा तक एंजॉय कर सकते हैं बोट का। तो देखिए दोस्तों, यहाँ काफ़ी भीड़ था। मैं घर वाला लोगों को बोला कि चलो एक दो चक्कर लगाते हैं, लेकिन सब डर रहे थे, मना किए। तो घर वाले जब मना किए तो ज़बरदस्ती जाना भी ठीक नहीं है। यहाँ देखिए बाहर में ये लाइफ जैकेट सब रखा हुआ है।
चलें फिर। तो मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो दोस्तों लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।